इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज सोलापुर। क्या मुकरी सालार इस वक्त घबरा गए हैं इलेक्शन आया बोलकर, उनके पर फिर से जो है षड्यंत्र होकर उनको बाहर भेजने की साजिश हो रही, इस तरह से क्या मुकरी सालार कहीं छुपे बैठे हैं क्या? पहले उनसे मेरा ये कहना है, अच्छा तुम मुस्लिम आमदार देखना चाहते हो क्या, मुस्लिम आमदार बनना चाहते हो? इस बार नौजवान और बुजुर्ग जो भी हैं उन्हें सोचे, गौर फिक्र करे कि कांग्रेस पार्टी अगर मुस्लिम को कैंडिडेट देती है तो मुसलमान मुसलमानों में कैसा लड़ा रही है। मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब उस टाइम पर समझो अगर शहर मध्य में मुस्लिम को अगर कांग्रेस की टिकट मिलती है, अच्छा, तो ये जनता को समझना चाहिए कि ये मुस्लिम में लड़ाने की काम कर रही है, इनकी राजनीति क्या रह रही है कांग्रेस पार्टी। अच्छा हाँ, काशी भी तुम्हारा आमदार बनने की देने वाले नहीं नो, अच्छा। पर इस बार अपने को तय करना है नौजवान को और शहर मध्य की आवाम को। आप कह रहे हैं कि कहीं से भी आपका आमदार बनने नहीं देंगे? नहीं नहीं, कौन कौन नहीं देंगे? नहीं नहीं बनने देंगे, ऐसा कुछ लोग अभी देखो नगर सेवक को भी षड्यंत्र है, वो तो रचाने चले। अब कांग्रेस पार्टी समझो, मान लो कि मुसलमानों की बात मानी भी, कांग्रेस की टिकट मुसलमानों को नहीं दिया, MIM पार्टी का भी काम करे तो एक तो एक नमक का खड़ा तो उठने वाला तो अपक्ष बोल को। तो मैं क्या बोल रहा मालूम, सब एक प्लेटफॉर्म पर आओ, जैसा कि जश्न मनाए ताई को जीतने के बाद में। हम लोग इतने गैर गुजरे हैं क्या यार, हम अपने आदमी को नहीं चुन कर ला सकते क्या? अरे पागल, तू दो चार दिन महीने दो महीने के वास्ते थोड़े बहुत पैसे ले को अपक्ष ठहरेगा साले बदमाश, तो ये हरकत मत कर। इसकी पहला भी कौम को गुमराह करे बहुत सारे लोग, अगर कौन अपक्ष ठहरता भी रहेगा तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। उलमाए कराम मेरे जमीयत उलमा रंदे तंजीम रंदे कोई सी भी ऐसी जमात जो भी है, मैं तो बोलता हूँ ये पूरा इलेक्शन इस बार उनके हाथ में देना। लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आप कई दिनों से देख रहे हैं कि सोलापुर शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र को लेकर किस तरह से राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ से मुसलमानों को टिकट मिलनी चाहिए, तो MIM पार्टी कह रही है कि ताई के बाद भाई। बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि यहाँ पर कमल खिलने वाला है। अगर बात करें तो सोलापुर शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र में इलेक्शन के टाइम जो ग्रुप काम करते हैं वो बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। बड़े बड़े ग्रुप जो सोलापुर शहर में हैं, वो विधानसभा का इलेक्शन हो, कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो या फिर लोकसभा का इलेक्शन हो, उसमें ग्रुप की अहम भूमिका रहती है। लोगों को पोलिंग बूथ तक ले जाना, मतदान कार्ड में नाम चेक करना, उसका करेक्शन करना, इसे बहुत सारे इलेक्शन के टाइम जो है जो ग्रुप का जो काम होता है वो बड़ा अहम काम होता है, बड़ा उसमें किरदार रहता है। अलग अलग ग्रुप सोलापुर शहर में इलेक्शन के टाइम काम करते हैं, वैसा एक ग्रुप हमारे साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं, MS फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष मुकरी सालार आज हमारे साथ जुड़े हैं। विधानसभा क्षेत्र को लेकर, खास करके मध्य विधानसभा को क्षेत्र को लेकर जहाँ के वो स्थानीय नागरिक हैं, कई सालों से वो वहाँ पर रहते हैं, तो सालार कंपनी की अहम भूमिका विधानसभा क्षेत्र के अंदर हो, लोकसभा क्षेत्र के अंदर हो या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में हो, अहम भूमिका रहती है। वो बड़े जोर शोर से अपने युवा पीढ़ी जो है, नौजवान है, उनको लेकर काम करते हैं, हमेशा चर्चा में भी रहते हैं। बात करें तो 2019 के विधानसभा चुनाव में MIM पार्टी का उन्होंने काम किया था, उसके पहले जो है अलग अलग पार्टियों से उनका संबंध रहा है, कनेक्शन रहा है। कॉरपोरेशन की अगर बात करें तो मुकरी सालार वहां से खुद जो है चुनाव लड़े थे। अब आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मुकरी सालार और MS फाउंडेशन की क्या रणनीति रहेगी, हम उनसे सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और जनता के मन में जो सवाल है वो भी हम आज सालार से पूछने की कोशिश करेंगे। मुकरी सालार आजकल कर शहर में दिखाई दे नहीं रहे,
कहीं नजर नहीं आ रही, जिस तरह से पहले कार्यक्रम को अटेंड करते थे, बर्थडे सेलिब्रेशन हो, व्हाट्सअप स्टेटस हो, कहीं भी आप जो है दिख रहे नहीं। क्या मुकरी सालार इस वक्त घबरा गए हैं इलेक्शन आया बोलकर, उनके पर फिर से जो है षड्यंत्र होकर उनको बाहर भेजने की साजिश हो रही, इस तरह से क्या मुकरी सालार कहीं छुपे बैठे हैं क्या? नहीं, छुपे तो नहीं बैठे, दिखता हूँ, जिसको मिलना है उसको मिलता हूँ, जिसको नहीं मिलना नहीं मिलता हूँ। पहले तो लोक प्रधान न्यूज़ का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा। मैं 1.9 में इलेक्शन लड़ने के बाद में लोगों ने मुझे प्यार इतना दिया। अच्छा। कि आज जिसको पद है अल्लाह आज उससे ज़्यादा मेरी इज्जत रखा है। मैं भले दिखूँ या ना दिखूँ, अच्छा, मेरे को कुछ लोग जो जानते हैं वो मानते हैं, और नहीं दिखने की वजह कुछ पर्सनल केसेस इश्यू की वजह से मैं नहीं दिख रहा हूँ। बस अल्हम्दुलिल्लाह इस बार अभी 2-3 केसेस मेरे नील हो गए, 2-3 केसेस है, और टेक्निकल केसेस में लोग जो फंसाते हैं बड़े बड़े यहाँ के एरिया के जो हमारे है जिसको मैं पसंद नहीं हूँ, जो लोग मुझे लोगों में देखना नहीं चाहते, कार्यक्रमों में देखना नहीं चाहते, देख कर जिसकी गांड जलती या जिसकी फटती, इसकी वजह से शायद मैं कम दिख रहा हूँ। आने वाली मुसीबत से बच के रहना मेरे हिसाब से बेहतर रहता है। आने वाले विधानसभा इलेक्शन के अंदर मुकरी सालार नजर आएंगे क्या पब्लिक? इंशाल्लाह जरूर नजर आना है, इसके लिए तो आप नहीं दिख रहा हूँ ना। अच्छा। शेर जब पीछे जाता है तो एक कदम झपका मारने के लिए। अभी रही सवाल शहर मध्य की, अभी लोग अपने अपने ख्याल से इच्छुक बोल रहे, नगर सेवक भी, पहले तो वो नगर सेवक को आएंगे कि नहीं आएंगे मालूम नहीं इस बार, और इस बार आमदार की भूमिका रह रही है। पहले उनसे मेरा ये कहना है, अच्छा, तुम मुस्लिम आमदार देखना चाहते हो क्या, मुस्लिम आमदार बनना चाहते हो? अच्छा, तुमको अगर आमदार बनना है तो ये कतई नहीं होता, अगर तुमको मुस्लिम आमदार देखना है तो तुम सब एक प्लेटफॉर्म पर आना। अच्छा। अभी फर्ज करो कि जैसे कांग्रेस अगर मुस्लिम को कैंडिडेट देती है, अच्छा, अभी एमआईएम पार्टी तो दो नंबर पर है। 2019 में भी देखो, 14 का तो नहीं बोलता मैं, 2019 में भी दो नंबर पर है। अच्छा। और अभी शहर मध्य में एमआईएम पार्टी की ताकत ज्यादा है। अच्छा। तो इस वजह से अगर शहर मध्य की कांग्रेस की टिकट अगर मुस्लिम को छोड़ती है, अच्छा, तो हमारी शहर मध्य की जो जनता है, अच्छा, जो लोकसभा में 91,000 और शहर मध्य में मिले, अच्छा, जब उस टाइम पर समझो अगर शहर मध्य में मुस्लिम को अगर कांग्रेस की टिकट मिलती है, अच्छा, तो ये जनता को समझना चाहिए कि ये मुस्लिम में लड़ाने की काम कर रही है, इनकी राजनीति क्या रह रही है कांग्रेस पार्टी की। अच्छा। हाँ, तो मेरे हिसाब से शहर मध्य में अगर कभी खासदार के इलेक्शन में अगर कभी एमआईएम पार्टी का कैंडिडेट अगर देते थे, तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कम से कम 70,000-1,00,000 वोट आराम से खाते। अच्छा। तो इसको मद्देनजर रखते हुए फारूक भाई एक कदम पीछे सरके, तो मेरा भी यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी जिम्मेदार हैं उनसे कहना है कि तुम हर टाइम मुस्लिम तुमको सपोर्ट करता है, तो तुम इस बार मुस्लिम का कैंडिडेट तुम अगर देंगे तो हमारे में झगड़ा होगा, तुम इसके लिए जैसा हम खासदार के इलेक्शन में तुम्हारा साथ दिए, तुम भी हमारे मुस्लिम आमदार को बनाने के लिए साथ देना चाहिए कांग्रेस पार्टी वाले। अच्छा, आपका ऐसा कहना है कि अभी जो कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि मुसलमानों को यहाँ से टिकट मिलनी चाहिए, अगर टिकट मिलती है तो मुसलमानों में झगड़ा होगा, मुसलमानों में जो है आपसी टक्कर देखने मिलेगी, क्या ऐसा मुकरी सालार मानते हैं या लगता है? देखो, पहली बात तो शहर मध्य में दो नंबर के स्थान पर एमआईएम पार्टी है, हाँ, अच्छे मजबूत से लड़ी, और अगर कभी कांग्रेस वाले अगर शहर मध्य की टिकट मुस्लिम को देते हैं तो ये उनकी राजनीति है, मुसलमानों को लड़ा रहे, तो शहर मध्य की जनता जैसे ईद का त्यौहार होता है वैसा जश्न मनाए हम खासदार के इलेक्शन में। अच्छा। और पहली महिला खासदार है सोलापुर से जो चुन कर गए परिणीताई शिंदे, तो उनका काम बनता है कि इस बार हमारा आमदार हमको दे। अच्छा। हाँ, आप खासदार बने ना, अब हमारे लिए आमदार की टिकट। अच्छा। तो कैसे त्योहार, कैसा लोग पब्लिक, एक त्योहार घर का जश्न है सर का, सब पूरे आवाम रोड पर आकर गुलाल खेले। अच्छा। जबकि उनके करीबी उतना नहीं खेले उतना कलर हमने खेले, क्योंकि अच्छा। मुस्लिम समाज आपको जिताने पे तुला हुआ था और आपको जिता के लाया, तो आप भी मुस्लिम लोगों के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। अच्छा, यहाँ की जो विधायक थी, तीन बार की विधायक आमदार परिणीति शिंदे, अब जो है खासदार बनकर लोकसभा पहुंची है, 15 साल से ये सीट पर जो है वो विधायक थी, उन्होंने इस क्षेत्र का विकास किया है क्या? परिणीति शिंदे को लेकर आपके मन में क्या है और क्या आपकी प्रतिक्रिया है? 2014 में एमआईएम का जो कैंडिडेट था वो हमको पसंद नहीं था, हम कांग्रेस का काम करें, दिलो जहाँ सी करे, और ये हमारे शहर मध्य के
आमदार जो थे परनीतिताई शिंदे, अभी जो खासदार है, उनसे पूछिए कि हमारा कैसी भूमिका रही 2014 में। हम पसीना पानी के सरकार बहाकर उनको चुन कर लाए 2014 में, तब भी एमआईएम पार्टी दो नंबर पर थी। एमआईएम पार्टी पतंग का जो चिन्ह है वो पक्ष, कौन कैंडिडेट नहीं, पक्ष दो नंबर के स्थान पर थी 14 में भी और 15 में भी, 19 में भी दो नंबर की भूमिका पे थी। तो अगर कांग्रेस की टिकट अगर मुस्लिम को मिलती है तो एमआईएम पार्टी पीछे हटेंगी क्या? एमआईएम की पार्टी जबकि शहर मध्य में दो नंबर पर है, पीछे हटेंगी क्या? नहीं हट सकती। अच्छा, तो इसके बारे में ये सोलापुर की जनता नौजवान सोचना चाहिए, खास कर शहर मध्य में के, और अभी तो उत्तर के दक्षिण के कौन भी आओ को बाबा हम हमारा मध्य वाले देखते। मध्य में इस बार नौजवान और बुजुर्ग जो भी हैं उन्हें सोचे, गौर फिक्र करे कि कांग्रेस पार्टी अगर मुस्लिम को कैंडिडेट देती है तो मुसलमान मुसलमानों में कैसा लड़ा रही है। मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। अरे जिसके बारे में शहर मध्य में आज एक वक्तव्य गलत करने के बाद आज हमारे लोग उसके बारे में बोल बोल कर आज उसको आमदार इच्छुक बना रहे। अच्छा, बीजेपी ऐसे करके फिर ना तुम कांग्रेस रहेगी ना एमआईएम रहेगी, फिर भी और भाजपा आएगी, डिवाइडेशन होने वाला है, मुस्लिम वोटर होगा, मुस्लिम वोटर जो 1 लाख वोटर्स है माने जाते हैं यहाँ शहर में। 1 लाख नहीं हो, 30-70 हजार 60 हजार पड़न दे, वन साइड का भी पूरे एक प्लेटफॉर्म पर आए तो सीट निकलती अपनी आराम। तो ये मुस्लिम मतदार को वोटरों को बांटने की काम कर रही ना कांग्रेस पार्टी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मान लो 1 लाख यहाँ पर वोटर है, अगर मान लो 70% कहे 60% कहे अगर वोटिंग होती है तो पूरी एक तरफा क्या एमआईएम को होने वाली है, ऐसा आपको लगता नहीं, है कि? नहीं होगी वैसे भी का तो, अगर कभी हो सकता अगर एमआईएम पार्टी की टिकट फारूक भाई को मिलने के बाद में अगर मुस्लिम कैंडिडेट कभी कांग्रेस पार्टी का भी बना तो एक दो अपक्ष भी रहने वाले जिसको आमदार बनने की ख्वाहिश है। अच्छा, उन्हों अपक्ष भी ठहरने वाले, नहीं तो फिर बीच में पौ लाने वाले, नहीं तो इन्हों इनका काम करो करो बोल को हर एक कैंडिडेट नवीन देने वाले काशी भी तुम्हारा आमदार बनने की देने वाले नहीं नो। अच्छा, पर इस बार अपने को तय करना है, नौजवान को और शहर मध्य की आवाम को गौरव फिक्र करना है। आप कह रहे हैं कि कहीं से भी आपका आमदार बनने नहीं देंगे? नहीं नहीं, कौन कौन नहीं देंगे? नहीं नहीं बनने देंगे, ऐसा कुछ लोग अभी देखो नगर सेवक को भी षड्यंत्र है, वो तो रचाने चले। अब कांग्रेस पार्टी समझो मान लो कि मुसलमानों की बात मानी भी, कांग्रेस की टिकट मुसलमानों को नहीं दिया, एमआईएम पार्टी का भी काम करे तो एक तो एक नमक का खड़ा तो उठने वाला तो अपक्ष बोल को। अच्छा, अभी नगर सेवक बन को लोगों के मुंडे मुजड़े है पैसे कमाए ले उन्हें अपक्ष बोल को ठहरने वाला, घाटा किसका है? अपने लोगों का ना, अपने लोगों का ना। तो मैं क्या बोल रहा मालूम, सब एक प्लेटफॉर्म पर आओ जैसा कि जश्न मनाए टाई को जीतने के बाद में। हम लोग इतने गैर गुजरे हैं क्या यार, हम अपने आदमी को नहीं चुन कर ला सकते क्या? अच्छा, नहीं ला सकते क्या? हम कभी चाहे तो एक प्लेटफॉर्म पर आए। अभी समझो फर्ज करो टाई उससे पहले सुशील कुमार शिंदे साहब थे, उनको खासदार करे, गृह मंत्री रहे, राज्य मंत्री रहे, ऊर्जा मंत्री रहे, फिर उसके बाद उज्ज्वला ताई ठहरे उनको खासदार बने, उन्होंने ये करे, फिर आमदार परनीतिताई शिंदे 3 टाइम आमदार बने, अब उनको खासदार बने। अब एक चांस हमको दो, मुसलमानों को आमदार बनाओ, एक आमदार हमारा दो। अच्छा, पार्टी का तुम्हारा रहना जरूरी नहीं है, दूसरे पार्टी का भी आमदार तुम बना सकते क्योंकि आप खासदार बन चुके हैं। जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को उम्मीदवारी मिलनी चाहिए, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे मुकरी सालर? क्या क्या जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को टिकट मिलने चाहिए, जितने भी इच्छुक उम्मीदवारों की हमने प्रतिक्रिया ली, उनकी ये मांग है कि मुस्लिम को उम्मीदवारी दे, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? जब ये मुस्लिम की मांग टिकट कर रहे हैं, खासदार के इलेक्शन में फारूक भाई को कौन आके बोला था क्या टिकट मत दो, कांग्रेस का एमआईएम का कैंडिडेट मत ठहरा करो करके कौन बोला क्या? नहीं बोला। अच्छा, ये खाली इनकी रोटी सेकने के वास्ते काम कर रहे हैं, इनो खाली समाज को गुमराह करके अपना घर कैसा भरना, अपने बच्चन का कैसा रहना, अपन कैसा रहना, ये सोच में इनो। अच्छा, आवाम के नौजवानों के बारे में अभी तक कौन सोचा नहीं, मैं बोल बोल को टकिया अभी भी कौन भी क्या भी सोचा नहीं। हाँ, ये नगर सेवक बने 3-3, 4-4 टेम, तुम एक मेरे को ऐसा प्रूफ बताओ कि कौन ऐसा स्कूल खोलिया, मदरसा खोलिया, या कॉलेज खोलिया। अच्छा, या ट्यूशन की क्लास खोलिया, कौन करा क्या अभी तक? अच्छा, नहीं करा। अब आज देखो, आज होटल में काम करने वाली, घर में काम करने वाली उसकी बच्ची 1 नंबर है। हाँ, अगर हमारे लोगों का ऐसा, अगर हमारा बड़ा कौन नेता रहेंगे अगर सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी कौम बहुत तरक्की करेंगे। अच्छा, सालार कंपनी की क्या भूमिका रहेंगी विधानसभा इलेक्शन के अंदर? आपके बातों से तो ऐसा लग रहा है कि सभी लोग एक जगह आकर एमआईएम को सपोर्ट करें ऐसा आप कह रहे हैं, तो
जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को उम्मीदवारी मिलनी चाहिए, या फिर आपने ऐसा भी कहा कि अगर मान लो फारूक भाई शाब्दी यहाँ से एमआईएम से उम्मीदवार ठहरते हैं और एमआईएम कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवारी यहाँ से नहीं मिलती, तो तीसरा कोई जो है टांग अड़ाएगा और अपक्ष ठहरेगा, वो ठहरने वाले अपक्ष को मुखरी सालार की तरफ से क्या संदेश रहेगा, क्या कहना चाहेगा? अरे पागल, तू दो चार दिन महीने दो महीने के वास्ते थोड़े बहुत पैसे ले को अपक्ष ठहरेगा साले बदमाश, तो ये हरकत मत कर। इससे पहला भी कौम को गुमराह करे बहुत सारे लोग, अगर कौन अपक्ष ठहरता भी रहेगा तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तो ये वो नहीं चाहता है कि मुस्लिम की सीट आए, मुस्लिम आमदार बने, वो नहीं चाहेगा। फिर अच्छा। अगर कौन अपक्ष ठहरेगा तो मैं चाहूंगा, मैं समझूंगा कि वो नहीं चाहता है कि मुस्लिम आमदार बने। तरह से औरंगाबाद में इम्तियाज, अभी इम्तियाज औरंगाबाद में तुम देखो गई ना सीट, ठीक है चलो भले हमारे से कुछ उसका ज्यादा कनेक्शन नहीं है, कुछ ताल्लुक नहीं है, पर एक समुदाय से एक मुसलमान का रहबर बोलकर एक लोकसभा में हमारी बात रखने का उसको अच्छा। मौका मिलता था, तो वैसे आदमी को गवाए ना अपने अपने आपस में लड़कर। अच्छा। अभी शायद हो सकता है यहाँ भी, मेरे जनरल नॉलेज के हिसाब से अगर कांग्रेस टिकट नहीं दी एमआईएम को खुला छोड़ी अच्छा। तो ऐसा नहीं तो ऐसा तो अगर अपक्ष ठहरा करे तो इसमें नुकसान तो हमारे कौम का चाहना यार। अच्छा। तू चार महीने दो महीने चार महीने छह महीने चलेगा पैसे थोड़े बहुत अच्छा। लेके अपक्ष ठहरेगा, बाद में हमेशा पांच साल के लिए कौम को रुसवा कर रहा ना। एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, एक जगह इकट्ठा होने के लिए क्या करना चाहिए आपको ऐसा लगता है? मैं समझता हूँ कि इसमें सब में ज्यादा भूमिका अगर कौन निभा सकते है अगर तो उलमाए किराम, मेरे जमीयत उलमा रंदे, तंजीम रंदे, कोई सी भी ऐसी जमात जो भी है, मैं तो बोलता हूँ ये पूरा इलेक्शन इस बार उनके हाथ में देना। अच्छा। कैसा नहीं मानता समाज और कौन किसके आगे जाता देखेंगे। अच्छा। उलमा पूरे उलमा एक बार शहर मध्य का आमदार मुस्लिम को बनाना, तो पूरे उलमा हाथ में लेना। अच्छा। पूरे उलमा कराम हाथ में लेना ये इलेक्शन। अच्छा। अगर कौन गद्दारी भी करेगा तो उसको समाज में से बाहर काढ़ो, नहीं तो धिक्कारो उसे, बात मत करो। अच्छा। अगर सीट लाना है तो एक्शन कहीं को बात ही नहीं करे तो तिल मरता तो उन्हें। अच्छा। कौन इस बात करने का नहीं, चल कौन तो भी दूसरी जमात का नहीं दूसरी जात का है, अगर कुछ बात ही मत करो। अच्छा। अगर कौन ऐसी हरकत करता रहेगा तो। अच्छा। मुस्लिम वोटरों का बंटवारा होगा आपको ऐसा लगता है? आप कह रहे हैं कि एक जगह आकर जो है मुसलमान उलमा हिंदी की आप बात करते हैं, तो सालार कंपनी क्या संदेश देना चाहेंगी युवाओं को या नौजवानों को और जो शहर मध्य के अंदर इच्छुक उम्मीदवार है, जो भी माहौल बना है, आपका क्या मैसेज है? 35-40 साल से खाली हम आमदार होना करके हमारा जीत कर रहे। मैं तो वहाँ का रहवासी हूँ और वहाँ पे इलेक्शन भी लड़ा हूँ और स्थानिक हूँ, बट मैं क्या बोलता, ये ऐसे बनना बोले तो बनता क्या है? नहीं बनता। इसके लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, काम करना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। और हमारी भूमिका भी ऐसी रहेगी, जहाँ समाज रहेगा वहाँ सालार कंपनी रहेगी। ये थे हमारे साथ एमएस फाउंडेशन के अध्यक्ष मुखरी सालार। इनका कहना है कि सोलापुर मध्य विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमआईएम पार्टी मजबूत है और दो नंबर का स्थान एमआईएम पार्टी यहाँ रखी है। 2019 हो या 2014 हो, विधानसभा के चुनाव में चुनावी आंकड़े नतीजे ये बताते हैं, रिजल्ट ये बताता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पार्टी बैरिस्टर ओवैसी साहब की पार्टी यहाँ पर दो नंबर का स्थान रखती है। तो सब एक जगह आकर इकट्ठा होकर यहाँ से एमआईएम पार्टी को जिताएं, इस तरह से मुखरी सालार का कहना है। बात करें तो लोकसभा चुनाव के अंदर खासदार परिणीति शिंदे को जिताने में एमआईएम पार्टी का और खास करके मुस्लिम समुदाय का बड़ा योगदान, बड़ी रणनीति रही है, इस तरह से भी मुखरी सालार ने यहाँ पर अपनी बात को रखा है। उनका कहना है कि अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पार्टी अगर यहाँ से टिकट देती थी तो 1,00,000 वोटों से ज़्यादा जो है एमआईएम पार्टी के खाते में वोट जाते थे, उसका कहीं ना कहीं नुकसान जो है परिणीति शिंदे को होता था और यहाँ से जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट यहाँ से निकलती थी। तो इस बार भी अगर कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को अगर टिकट देती है तो वोटों का बंटवारा होगा, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं इच्छुक उम्मीदवार है वो थोड़ा सा पीछे हो जाए, एमआईएम पार्टी को एक बार चांस दे, इस तरह से मुखरी सालार का कहना है। अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ से मुसलमानों को टिकट देती है तो
कांग्रेस पार्टी का ये षड्यंत्र है, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहती है, इस तरह से सालार कह रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में देखते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को टिकट देती है क्या, या फिर जो है MIM पार्टी उन पर थोड़ा सा दबाव डाल के क्या टिकट पीछे लेने का वो इरादा करते हैं, या फिर जो है कांग्रेस पार्टी टिकट लाकर यहाँ से मुसलमान को MIM पार्टी से कुछ बातचीत होती है, ये सारे सवालों के जवाब तो आने वाला समय ही बताएगा। दर्शकों, लोकसभा मध्य मतदार संघ का इलेक्शन जो है बड़ा दिलचस्प रहने वाला है, उसकी नज़र सब पर है। ये तो क्या कुछ होता है, रणनीति क्या होती है, ये तो समय ही बताएगा। लोक प्रधान न्यूज चैनल से मैनुद्दीन नजाब, कैमरामैन अब्दुल शेख के साथ। वेलकम टू डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, जहां हम बनाते हैं मजबूत बुनियादें और सवारते हैं बच्चों का मुस्तकबिल। 10 एकड़ के विशाल कैंपस के साथ ये स्कूल सोलापुर के सबसे बड़े स्कूलों में से एक है। यहां नेचुरल फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट्स और बच्चों के लिए एक चिल्ड्रंस प्ले पार्क है। क्वालिफाइड टीचर्स के साथ साथ डिजिटल क्लासरूम्स भी है। बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए इंडोर स्पोर्ट्स अरेना, जिसमें टेबल टेनिस, चेस और कैरम बोर्ड जैसे गेम्स हैं, राइफल शूटिंग और आर्चरी की भी फैसिलिटीज़ तैयार की जा रही है। आत्मविश्वास बढ़ाने और आत्मरक्षा सीखने के लिए लड़कियों और सभी स्टूडेंट्स के लिए टैक्वांडो एंड कराटे सेशंस रखे जाते हैं। साल भर 100 से ज़्यादा मज़ेदार एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, जिनमें कम्युनिटी हेल्पर्स डे, अजान और कीरत कॉम्पिटिशन, वेजिटेबल मार्केट डे, वुजू डे, सलाह डे, मैथ्स क्विज, एनुअल स्पोर्ट्स डे और फूड फेस्टिवल जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। बस फैसिलिटीज शहर के हर कोने से अवेलेबल है। अपने बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट और बेहतर फ्यूचर के लिए आज ही एनरोल कीजिए डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में।